हिंदुत्व की लहर पर सवार होकर सत्ता में आई भाजपा का जनाधार तेजी से बढ़ रहा है। क्या आप केंद्र और भाजपा की जो राज्य सरकारें हैं उनके कामकाज से संतुष्ट हैं? हिंदुत्व की लहर पर सवार होना ये एक आजकल मुहावरा हो गया है, तो ये लहर वहर की बात नहीं है, लेकिन युगों से दमित और पीड़ित हिंदू जाति अपने उद्धार का मार्ग ढूंढती है, और जब उसे लगता है कि कोई हमारा उद्धारक है या कोई हमें अपने पुराने गौरव तक पहुंचाने में समर्थ है या हमारी अस्मिता की रक्षा करने में समर्थ है, तो समर्थन करती है, भरपूर समर्थन करती है। जिस प्रकार की परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलवाया, और उसके पीछे हिंदू जनाधार बहुत बड़ी भूमिका उसने निर्वहन की है। ऐसी स्थिति में मैं कितना संतुष्ट हूँ, मेरे संतोष की बात तो तब उत्पन्न होती है जबकि हिंदुत्व की दिशा में कुछ काम हो रहा हो। हिंदुस्तान, हिंदुओं के रहने का स्थान, और फारसी में हिंदुस्तान ये नाम हमारा दिया हुआ नहीं है, मुसलमानों ने यह हमको नाम दिया, और सिंध को हिंद, सिंध को हिंदू, स को ह बोलते थे ये लोग, तो हमने उसको स्वीकार कर लिया क्योंकि उसको उसमें हमको कोई अपमानजनक स्थिति नहीं, क्योंकि स्वाभाविक रूप में हम सिंधु से जुड़े हुए हैं, और सावरकर ने उसकी व्याख्या की, आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमि का पितृभु पुण्यकुशैव सवै हिंदु इति स्मृतः। तो हमने हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान इसको मंत्र के रूप में ग्रहण किया। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया, हालांकि जय हिंद ये वंदे मातरम की तुलना में बहुत कम प्रभाव उत्पन्न करता है, लेकिन बात एक ही है, हिंद की जय हो या हम अपनी माता की वंदना करते हैं प्रकार अंतर से। तो ऐसी स्थिति में हिंदू जाति को जब ये लगता है कि हमारे पुराने विगत गौरव के दिन वापिस कोई दिलाने में सक्षम है, तो उसका समर्थन करती है, और वो कितना सफल होता है, और उसको हिंदू राष्ट्र की, हिंदुत्व की कितनी चिंता है। हमारे प्रधानमंत्री जी के मुख से अब तक एक बार भी हिंदू राष्ट्र शब्द नहीं निकला, दुर्भाग्य की बात है। ये हिंदू राष्ट्र नहीं तो क्या है? सारे संसार के जितने राष्ट्र हैं उनके साथ कोई ना कोई पहचान जुड़ी हुई है, तो क्या कहेंगे इसको? हिंदू राष्ट्र नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? खिचड़ी राष्ट्र, मिक्सचर राष्ट्र। तो सारे संसार भर में एक ही देश हमारा, हमारी पितृभूमि, हमारी मातृभूमि, हमारी जन्मभूमि, जो कुछ भी कहिए इसको, सृष्टि के प्रारंभ से ये हमारा पुण्य स्थान, तीर्थ स्थान हमारी भारत माता रही है। हम ही हैं जो इसको भारत माता कहते हैं, तो भारत माता की संतानों का कोई अपना, अंग्रेजी में इसको होमलैंड कहते हैं, उर्दू में वतन कहते हैं, हमारा कोई अपना देश नहीं है क्या? हम इतने लावारिस हैं क्या? कहीं हमारा कोई ठोर ठिकाना नहीं होना चाहिए क्या? हिंदू राष्ट्र शब्द बोलने में क्या आपत्ति है? नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्तितो। हम कल्पना कीजिए कि यदि नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक न हुए होते, तो यदि उनको संघ की पृष्ठभूमि प्राप्त न हुई होती, तो जब हमारी संघ प्रार्थना में हिंदू राष्ट्र शब्द है, प्रभु शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग होता है, तदीय कार्य बद्धा कटिंग, तो ये बोलने में शर्म क्यों आती है? जो प्रधानमंत्री इतनी प्रचंड जनसमर्थन की शक्ति के बावजूद हिंदू राष्ट्र शब्द नहीं बोल सकता, उसे क्या आशा की जाए? महाराज, एक समय ऐसा भी था जब ज्यादातर हिंदू संगठन मोदी के विरोध में थे, और उस समय आपने गुजरात में उनका प्रचार किया था, मगर आज आप अलग थलग। हिंदू संगठन विरोध में नहीं थे, वहाँ का जो बहुसंख्यक पटेल समुदाय है वो रुष्ट था, नाराज था, और नरेंद्र भाई मोदी जो हैं वो मेरे गुजरात दौरों के प्रबंधक हुआ करते थे। 1990 के पश्चात से ये सिलसिला निरंतर चलता आया है, और मैंने इस आधार पर समर्थन किया था, मुझे ऐसा लगता था कि नरेंद्र भाई आएंगे तो हिंदुत्व का नया सूर्योदय होगा, हम पुराने अपने गौरव को फिर से प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही विकास के नाम पर 350 मंदिर गुजरात में तुड़वाए,
गांधीनगर में तुड़वाए, उनमें 85 साल 90 साल पुराने मंदिर थे, कई एकड़ों में फैले हुए मंदिर थे। ये काम धनाधन जयपुर में भी हो रहा है, वसुंधरा जी जो है वो कर रही है काम, मेट्रो के नाम पर, विकास के नाम पर, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए मंदिरों को, मंदिर बाधक हैं उनको स्थानांतरित इज्जत के साथ, प्रतिष्ठा के साथ किया जाए, अनिवार्य समझा जाए तो, परंतु उनको तोड़ा जाए। और तोड़ने के पश्चात यदि आप ये काम कर रही हैं, हरकत में इस प्रकार की हरकतें कर रही हैं, तो क्या कारण है कि न गुजरात में और न राजस्थान में, किसी भी भाजपा शासित प्रदेश में एक कब्र की कंकरी तक नहीं हिली अब तक? ऐसे 50 नहीं, सैकड़ों स्थान हैं जो बाधा उपस्थित कर रहे हैं ट्रैफिक में, तो आपने उनको क्यों नहीं हटाया? तो वो हटाने की हिम्मत आप में नहीं है, क्योंकि आप मुसलमानों से डरते हैं। आज भी मुस्लिम आतंक का भय आपके हृदय पर हावी है, और यही कारण है मेरे नाराजगी का नहीं, मेरे असंतोष का।